सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे रेसलर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप डर सकते हैं। जितना खतरनाक ये लड़ाई करते हैं बल्कि उससे भी खतरनाक ये दिखाई देते हैं। अगर आप WWE के देखने के शौकीन हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर का खिलाड़ी इतना खतरनाक है कि आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो हमारा यह चैनल एडवेंचर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 5, द बोगी मैन। दोस्तों, बोगी मैन WWE का सबसे खतरनाक डरावना चेहरा है जो बहुत ही खतरनाक दिखता है। बड़े से बड़े रेसलर भी बोगी मैन के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वो केचुआ अपने मुंह से निकालकर हारने वाले रेसलर के मुंह में डाल देता था। और तो और, बोगी मैन अपने गले में दिल और हाथ में एक घड़ी लेकर आता था और वो घड़ी को अपने सिर पर मारकर तोड़ देता था, जिससे कितना भी बलवान रेसलर देखकर डर जाता था। बोगी मैन दिखने में एकदम राक्षस जैसा दिखता था। नंबर 4, पोल। दोस्तों, पोल को आपने अधिकतर अंडरटेकर के साथ देखा होगा। इस अजीब से दिखने वाले रेसलर को लोग अधिकतर भूत समझते हैं जो अंडरटेकर को शक्तियां देता था। कई बार पोल को केन के साथ भी देखा गया। पोल अपने अजीब शक्ल से किसी को भी डरा देता था। 5 मार्च 2013 को पोल ने इस दुनिया को अलविदा कह गया। नंबर 3, अंडरटेकर। अगर आप WWE देखते हैं तो आप इस चेहरे को ज़रूर पहचानते होंगे। WWE के भगवान कहे जाने वाले अंडरटेकर का करियर हमेशा से रहस्य भरा हुआ था, और लोग मानते हैं कि अंडरटेकर 7 बार मरने के बाद भी जिंदा हो चुका है। अंडरटेकर का अंधेरे में आना, उसके बाद अपनी आंखों को सफ़ेद कर लेना आज भी बड़े से बड़े रेसलर का पसीना छुड़ा देता है। दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए, अंडरटेकर से डरावना रेसलर इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार के एक फिल्म में भी नज़र आ चुके हैं। दोस्तों, आपका सबसे फेवरेट रेसलर कौन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 2, केन। जब केन ने WWE में एंट्री ली तो काफ़ी शानदार थी। कुछ ही दिन में केन के दुनिया भर में लोग दीवाने हो गए। केन जितना अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, उससे भी खतरनाक अपने डरावने लुक के लिए जाना जाता था। लोग केन को नाकाब के साथ देखकर डर जाते थे, और केन का रिंग में आकर आग लगा देना और भी डरावना बना देता था। बहुत से रेसलर इनको देखकर भाग जाते थे। नंबर 1, जेक रॉबर्ट। दोस्तों, जेक रॉबर्ट को स्नेक रॉबर्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जैक अपने साथ एक बहुत बड़ा सांप रखता था, जिससे कभी वो मैच हारने लगे तो उसे अपने सांप से कटवा देता था। यही कारण था कि लोग जैक से फाइट करने से डरते थे। दोस्तों, क्या WWE में होने वाली फाइट नकली होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से 1000 लाइक और 500 कमेंट दे दीजिए, जिससे इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ।